नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव। नाउ थिबाउ कोर्टुआ, जो कि रियल मैड्रिड और बेल्जियम के नंबर वन गोल कीपर हैं, उन्होंने अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि वो आने वाले यूरो 2024 में नहीं खेलेंगे। जी हाँ, अभी ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि थिबाउ कोर्टुआ रूल्ड आउट ऑफ यूरो 2024। जून के महीने में इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था और उसके बाद से लेकर अब तक ना तो इन्होंने कोई इंटरनेशनल फ्रेंडली या यूरो क्वालिफायर या कोई भी क्लब मैच नहीं खेला है। यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। बेल्जियम और रियल मैड्रिड के कीपर थिबाउ कोर्टुआ ने कहा है कि ये यूरो 2024 नहीं खेलेंगे और जो इनकी इंजरी अभी सर्जरी हुई है, उस सर्जरी के बाद से इन्हें रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे ये लगाया जा रहा है कि यूरो 2024 तक ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। नाउ कोर्तुआ की जो लेटेस्ट फोटो सामने आई है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इनकी जो अभी नी की सर्जरी हुई है, उससे रिकवर होने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि ये कुछ मैचेस में, कुछ महीने के बाद कुछ मैचेस खेल तो सकते हैं, लेकिन एक यूरो जैसे बड़े टूर्नामेंट को खेलने के लिए किसी भी मैनेजर को एक प्रॉपर फिट, 100% फिट स्क्वाड चाहिए होता है, और जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोर्तुआ तो आने वाला यूरो नहीं खेल पाएंगे। नाउ अगर आप देखें रियल मैड्रिड के जितने भी मैचेस हुए हैं इस सीज़न में, कोर्तुआ ने एक भी मैच नहीं खेला है और इनकी जगह ए ल्यूनिन, जो कि बहुत ही अच्छी गोल कीपिंग कर रही हैं रियल मैड्रिड के लिए, ये नंबर वन गोलकीपर चॉइस इस वक्त रियल मैड्रिड के बन चुके हैं। और अगर आप देखेंगे कि कोर्तुआ की कमी को इन्होंने बखूबी निभाया है और रियल मैड्रिड, जो एक टाइम पर ऐसा जाना जाती थी कि रियल मैड्रिड गोल तो करती है लेकिन गोल्स कंसीड भी कर लेती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ए लिनिन की गोलकीपिंग के अंडर रियल मैड्रिड ने अब तक ला लीगा में सबसे कम गोल खाए हैं। जी हाँ, ऐसा शायद बहुत टाइम में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे मैचेस हो चुके हैं ला लीगा में और रियल मैड्रिड सबसे कम गोल कंसीड करने वाली टीम है। नाउ रियल मैड्रिड को तो कोर्तुआ का रिप्लेसमेंट मिल चुका है, लेकिन क्या बेल्जियम ऐसा कर पाएगा? क्या उनके पास ऐसा गोलकीपर है जो कोर्तुआ की जगह ले सके? कोर्तुआ ने बहुत ही बड़े बड़े मैचेस खेले हैं बेल्जियम के साथ और बहुत ही बड़े मैचेस भी जिताए भी उन्होंने, एंड पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा सेव किए हैं, लेकिन क्या इस बार बेल्जियम आगे तक जा पाएगा? क्या बेल्जियम पहली बार अपना यूरो कप का टाइटल जीत पाएगा? इस बार देख लेते हैं कि बेल्जियम के साथ कौन कौन सी ऐसी टीम्स हैं। तो ग्रुप ई में है बेल्जियम विद स्लोवाकिया, रोमानिया, और अभी एक टीम और फाइनल होनी बाकी है जो कि प्ले ऑफ बी के विनर से आएगी। तो हालांकि ग्रुप को देखकर ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ग्रुप होगा बेल्जियम के लिए, और अगर बेल्जियम राउंड ऑफ 16 तक भी क्वालिफाई कर लेती है तो उसके बाद नॉकआउट राउंड शुरू होंगे एंड इसके बाद बेल्जियम के लिए बिना कोर्तुआ के खेलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। और यूरो कप तो एक ऐसी चैंपियनशिप है जिसमें यूरोप की बेस्ट टीम्स खेलती हैं एंड किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट करना बेल्जियम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान साबित हो सकता है, खासकर तब जब उनके नंबर वन गोलकीपर नहीं खेल रहे ड्यू टू इंजरी। एंड यूरो जो कि 2024 का एडिशन जर्मनी में खेला जाएगा एंड इसमें भी टोटल 24 टीम्स खेलेगी। इसके ऊपर बाय द वे एक ऑलरेडी वीडियो पब्लिश हो चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कब से मैचेस शुरू होंगे, ग्रुप का फॉर्मेट क्या है, कौन कौन सी टीम्स ने क्वालिफाई किया है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी चेक कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या बेल्जियम कोर्तुआ के बिना यूरो में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी? लिखेगा कमेंट में इसके बारे में। और कौन सी वो टीम होगी जो इस बार का यूरो चैंपियनशिप जीतेगी? डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। फुटबॉल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।